मैंने नहीं मारा वकील काका को, आजे को। मैं उन पर गुस्सा करता था, पर मैंने नहीं मारा है उनको। और अजय का क्या? विश्वास को पता चल गया था कि अजय पुलिस वाला है, ये मैं पहले से जानता था। क्या अजय पुलिस था, ये बात आप पहले से जानते थे? दत्ता, ये तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छिपा कर रखा हमसे? गलती हो गई मुझसे, पर अब विश्वास राव को लग रहा है कि मैंने ही वकील काका और अजय को मारा है। अजय के डेड बॉडी के पास मेरी चप्पल मिल गई। मैं सचमुच नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, पर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दत्ता भैया, विश्वास राव ने पूछताछ की है, इसका मतलब उसके पास सबूत होने की आशंका तो है। सो प्लीज, जो सच है वो बताइए। अगर आपने सच में किया है तो प्लीज कबूल कीजिए। अन्ना ने प्रॉपर्टी के हिस्से किए, पर उनके इस खास आदमी के लिए कुछ नहीं रखा। यहां तक कि सुषमा के नाम पर भी 6 हिस्से किए, पर जिसने उसे संभाला वो शेवंता की बच्ची है। ये दुनिया से छिपा कर रखा ऐसे नाथा के लिए वो क्या छोड़कर गए? कुछ नहीं। और फिर इस बात का गुस्सा इनके मन में तो आएगा ही ना, ना तावड़े? और इसलिए नाथा ने उसका बदला लेने की कोशिश की। लेकिन साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम नहीं मिला, और तुम उसी के लिए सब कर रहे थे। ऊपर से घर में 250 किलो सोना है, ये तुम्हें पता चला। क्यों, सोना चाहिए था कि नहीं? पर वो सोना मुझे कैसे मिलता? वो तुम्हें मिलने वाला नहीं था, इसीलिए तुमने उसे हासिल करने की कोशिश की। मैंने? हाँ, तुमने और तुम्हारी बीवी ने। अभिराम के शादी के दिन गहने चुराने का प्लान बना रहे थे तुम। शादी की गड़बड़ शुरू है, बाड़े में कोई भी नहीं है। एक बार बड़ा हाथ मार लो, फिर जिंदगी भर इनके नौकर बने रहने की जरूरत नहीं। मेरी सुनिए, आप गहने लेकर अपने गांव चले जाइए, मैं भी यहां से निकल आऊंगी। पर वो भी कोशिश नाकाम रही। इतना ही नहीं, जब दत्ता भैया ने सुषमा को मारने की प्लानिंग की, उसमें भी तुम शामिल थे। नाथा, आज सुशल्या का किस्सा खत्म करना है। ठीक है, अब इस घर से सुशल्या बाहर जाएगी तो हमेशा के लिए। देख अब कहां भेजता हूं तुझे, तेरी माँ से मिलने है कि नहीं? बता क्या पूछ रहे हैं साहब? अरे बोलता क्यों नहीं है, कान के नीचे लगाऊं क्या? नाथा, अभी दत्ता भैया ने ऊपर पोपट की तरह सारा सच उगल दिया है, मुझे सब बता दिया है, समझे ना? तो बोलो। बताता हूँ साहब, उतनी मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई। गलती हो गई यार। गलती हो गई। नाथा, अन्ना के बाद अगर तुम किसी के वफादार हो तो वो दत्ता भैया है। दत्ता भैया का कोई भी काम हो, चाहे वो खेती का हो या मुर्दे गाड़ने का, उसमें तुम शामिल रहते हो। और अन्ना का इतिहास देखूं तो मुर्दा गाड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल बात नहीं है, चाहे वो सुषमा का हो या नेने वकील का। मैंने वकील काका को नहीं मारा। अरे तुम सुषमा को मारने के लिए दत्ता भैया की मदद कर सकते हो तो नेने वकील को तो मार ही सकते हो। और नेने वकील को मारने के बाद तुमने अजय को मारने में उनकी मदद की। साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया। नाथा, बातें छुपाकर कुछ नहीं मिलने वाला। दत्ता भैया की चप्पल अजय के डेड बॉडी के पास मिली है, तो अब दत्ता भैया ने तो मुंह खोल दिया है, तुम भी खोल दो। उसके बाद गांव नहीं, पुलिस स्टेशन चलना मेरे साथ, ठीक है? सब याद कर लेना, सब कुछ, वरना तुम सबको हमें याद दिलाना अच्छे से आता है। अजय के डेड बॉडी के पास मेरी चप्पल मिल गई। अजय पुलिस वाला है ये, मैं पहले से जानता था। डैड, भैया क्या हुआ है? विश्वास जो कहकर गया उसका क्या मतलब था? आपकी बात हुई ना भैया से? हाँ अभिराम, मैंने दत्ता से बात की है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सच है ना, दत्ता को उसे कबूल करना ही होगा। उसके पास कोई और चारा नहीं है। डैड मतलब? मतलब अजय की डेड बॉडी के पास दत्ता की चप्पल मिली है और इतना ही नहीं, वो अजय पुलिस में था ये विश्वास राव के बताने से पहले ही दत्ता को पता था। पर वो चप्पल अजय के डेड बॉडी के पास मिली है, मतलब भैया ने मारा अजय को। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दत्ता ऐसा कैसे कर सकता है? मिस्टर नायक, आपकी आई की कंडीशन अब काफी अच्छी है, पर केयर करनी होगी। डॉक्टर, आई को जो पॉइजन दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? अंगारा लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी नहीं कह सकते, पर अलर्ट रहिए, फिर से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलते हैं। भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? अजय को भैया ने मारा ऐसे विश्वास को लगता है, पर आई को जहर दिया गया उसका क्या? वहां पे चलो नेवकी। नेवकी बुलाओ उसे। रघु काका, बाहर आइए।
रघु काका, अब तुम बाहर आते हो या हम अंदर आए? कौन है भाई? इतनी देर लगती है बाहर आने में? वो मुझे लगा गांव का कोई आया है। आप हैं विश्वास राव? आप भी चाय लेंगे क्या? अरे आप हमारी मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं? हम मौका ढूंढ रहे हैं आपकी सेवा करने की। क्या बोल रहे हैं आप? समझेगा, यहाँ बात करनी है या पुलिस स्टेशन जाकर? पुलिस स्टेशन? अरे हमारा ठिकाना तो मंदिर है, पुलिस स्टेशन कैसा होता है हमने तो आज तक देखा ही नहीं। चलिए ना फिर, जरा घूम कर आते हैं, दिखाता हूँ आपको पुलिस स्टेशन क्या होता है। मतलब मुद्दे की बात करूँ तो मैं जो कुछ भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना, समझ गए? सुनो, क्या कह रही हूं मैं, थोड़ा खाना खा लो। आपने कुछ नहीं किया ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? चलो खाना खा लो। अरे अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं ऐसे? सरिता, ये सब क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जेल में डालेंगे, मुझे हथकड़ी लगाकर पूरे गांव के सामने से ले जाएंगे, मुझे सजा हुई तो। पूर्वा देखना क्या बोल रहे हैं ये। बाबा क्या कह रहे हैं आप? मुझे विश्वास राव ले जाएगा, जेल में डाल देगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, मेरी चप्पल मिली है ना उन्हें। पर आपने कुछ नहीं किया है ना, बोलिए ना बाबा। पूर्वा, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरे बाबा ऐसा कुछ करेंगे, किसी की जान लेंगे, किसी को मारेंगे? अरे आई, ऐसा नहीं है, पर अब मुझे भी डर लगने लग गया है। ये सब कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, आपने सच में कुछ नहीं किया है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। गांव में लगभग कितने घर हैं? दो मोहल्ले हैं। मतलब 100 घर होंगे? फिर भी सिर्फ नाइक के बाड़े में ही आप आते जाते रहते हैं। वो पहले से आना जाना है, उनके घर के कर्मकांड मैं ही कराता हूँ, अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखा जाए तो पूरे गांव का कर्मकांड मैं ही करता हूँ। पक्का बस इतना ही संबंध है? अन्ना थे तब भी? पर मैंने कहा था ना आपसे कि ये सब बंद कीजिए, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ओहो, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं तावड़े, इसी पर तो घर चलता है इनका, ऊपर से नाई खानदान से संबंध बनाकर फायदा ही होगा, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अन्ना थे तब पूजा पाठ आप ही देखते थे, और फिर देव खेती भी आपको सौंपी गई,
देव खेती के लिए हर अमावस पूर्णिमा को नारियल चढ़ाना पड़ता है, कभी कभी मुर्गी भी चढ़ानी पड़ती है। अब ये सब परंपरा है, करना ही पड़ता है ये सब। और ये सब आपको ही करना पड़ता है, और आप भी ईमानदारी से ये सब करते आए। इसमें आपका क्या फायदा था? मेरा क्या फायदा? फायदा तो था ही ना, फायदा तो होगा ही। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना देवगी। मैं ठीक हूँ। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए, उम्र हो गई आपकी। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अन्ना के जाने के बाद देव खेती की जमीन आपकी होगी। ये क्या बोल रहे हो? गांव की ऐसी कई जमीनें हड़पी हैं आपने, और लोग इतने भोले हैं यहाँ कि भगवान के नाम पर आपको जमीन दी है, पर नाइक के जमीन के बारे में आपका अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया। जमीन का जब हिस्सा हुआ और आपको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो जगह हड़पने के लिए आपने कोशिश शुरू कर दी। ये सब करते वक्त घर के किसी आदमी को भरोसे में लेना बहुत जरूरी था, और वो आदमी आपको मिल गया, दत्ता नाइक। दत्ता को हमेशा उन पर अन्याय हुआ है ऐसा लगता था, या वो ऐसा जताते रहते थे, और फिर आपने उनके साथ हाथ मिला लिया। दत्ता ही मेरे पास आता था, क्योंकि सारा गुनाह आपने साथ में किया है। दत्ता को ऐसा लगता था कि ग्राम सेवक की लड़की उनकी बहू ना बने, और इसलिए आपने नार्वेकर को डराया कि इस घर में लड़की की शादी ना करवाएं। पूरी कुंडली निकाली है मैंने आपकी। हाँ, मैंने नार्वेकर से कहा था, पर दत्ता के कहने पर, दत्ता की जमीन के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए। और दत्ता की लालच बढ़ती जा रही थी, और इसलिए आपने दत्ता के साथ एक डील की। तुम्हें जमीन चाहिए ना? हाँ। अगर मेरा आधा हिस्सा मानोगे तो एक उपाय बताता हूँ। और इसलिए नाइक के घर पर खिड़की तोड़कर गहने हड़पने की कोशिश भी हुई। नाइक के बाड़े में अजीब अजीब घटनाएं होने के बाद आपको बुलाया गया, सबने आप पर भरोसा किया, पर नीलिमा नाइक ने आपका विरोध किया। फिर आपको डर लगने लगा कि ये औरत मेरा काम बंद करवाएगी, और इसलिए आपने उन पर अलग अलग प्रयोग शुरू किए। मैंने क्या किया? बताता हूँ ना, सब बताता हूँ। उनके बालों को मिट्टी में नारियल के साथ रख दिए। इस नारियल पर औरत के बाल लगे हैं, मतलब किसी औरत के लिए ही किया गया है, और जिस औरत के ये बाल हैं, उसी पर संकट है। माधव भैया का नाम पत्ते पर लिखकर पेड़ के नीचे रखने का सुझाव भी आपका ही था। घर जाते हुए एक हरा पत्ता ले, घर जाकर उस पर कुमकुम से माधव का ही नाम लिखना, और 12 बजने के बाद पेड़ के नीचे रख दो। और फिर अलग अलग तरीके से आपने माधव भैया और नीलिमा भाभी को डराने की कोशिश की दत्ता भैया के साथ मिलकर, पर आपने सबको ये दिखाया कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो उनका भला नहीं होगा, उनकी जान को खतरा है, ताकि वो दोनों यहाँ से जल्द निकल जाए। वकील से संबंध कैसे थे? मैंने कुछ नहीं किया है नेने को। मैंने क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? नेने वकील से आपके संबंध कैसे थे? अच्छे थे, अच्छे ही थे। सच में? आप भले ही नेने से अच्छा बर्ताव करते आए हैं, पर आपके मन में उनके लिए गुस्सा था, क्योंकि आपको देव खेती की जमीन चाहिए थी,
जो आपके नाम पर नहीं हो रही थी, और नैने वकील को भी एक जमीन हड़पनी थी जो उन्हें मिल गई और वो उन्होंने अपने नाम पर करवा ली, और इसलिए आपने उनसे झगड़ा किया है कि नहीं? झगड़ा मतलब? आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने कुछ नहीं किया। दत्ता भैया ने किया, पर आपने उनका साथ दिया। नैने वकील के ऑफिस के पास नारियल रखकर जादू टोना करने की कोशिश हुई थी, तब आपको रंगे हाथों पकड़ा था। उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। हाँ साहब। चलो। और उसके बाद भी आपको देव खेती की जमीन नहीं मिलेगी, इसका जब अंदाजा लगा तब दत्ता भैया की मदद लेकर आपने नैने वकील का खून किया। और यही गुस्सा आपको अजय के बारे में भी था। सुषमा को इस घर से बाहर निकालने के लिए अजय को आपने बीच में लाया, पर अजय ने छाया से शादी करने का फैसला किया। और जब आपको पता चला कि अजय पुलिस का आदमी है, तब कहीं आपके राज खुल ना जाए, इस डर से आपने अजय का खून किया और अजय के साथ सारे सबूत नष्ट कर दिए। दत्ता ऐसा कुछ कर सकता है? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर अब तो जो कुछ भी हो रहा है ना, बस उसका सामना करना ही हमारे हाथ में है। और अब हमें ही दत्ता को समझाना होगा ना। और हाँ, इस बारे में आई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, अभी तो वो ठीक हो रही है ना? आई को दवाई दी? हाँ, आराम कर रही है वो। देखो देविका, थोड़ी थोड़ी देर में आई के कमरे में जाते रहना, उनका ठीक से ध्यान रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, ध्यान तो रखना ही होगा, फिर किसी ने जहर दे दिया तो? हमारी आई का कैसे ख्याल रखना ना, ये हम जानते हैं। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं हमें। अच्छा, पर तुम लोगों में से किसी ने जहर दिया ना उन्हें? जहर किसने दिया ये पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा ना किसने दिया, तब उसके साथ क्या करना ये भी हमें पता है, फिर चाहे वो घर वाला हो या बाहर का। करिए, आपको जो करना है करिए, पर मेरी आई के गहनों का क्या? सुषमा, अरे घर में क्या हो रहा है और तुम ये सब क्या बोल रही हो? इस घर में जो कुछ चल रहा है ना, उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मेरे लिए डरती हूँ। जिस घर के लड़के अपने आई को जहर दे सकते हैं, वहाँ मैं जिंदा रहूंगी किसे पता। इसलिए मेरे हिस्से के जो कुछ गहने हैं मुझे दे दीजिए, मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अभिराम राव, मुझे ऐसा लगा था कि इस घर में तुम अकेले ही होशियार हो, समझदार हो, पर तुम भी इन सब की तरह ही निकले। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो। मुंह बंद करो सुषमा, क्या किया इन्होंने ऐसा? वो मुझे नहीं पता, पर ये आदमी जितना सादा नजर आता है उतना नहीं है। और अब सवाल रहा गहनों का, वो तो मेरे हक के गहने हैं, वो तुम लोगों को मुझे देने ही पड़ेंगे। और अगर तुमने वो दिए ही नहीं तो वो कैसे निकलवाने हैं वो मैं बराबर जानती हूँ।
सच में कुछ नहीं किया। नीलिमा के साथ मेरा झगड़ा था क्योंकि वो मेरे काम के बीच में आ रही थी। मैंने लेने को नहीं मारा और ना ही अजय को मारा है। अजय ने इकट्ठा किए हुए सबूत जब मेरे हाथ लगेंगे ना, तब साफ समझ आएगा कि आप मंदिर जाएंगे या पुलिस स्टेशन जाएंगे। देवगी, बहुत कड़ी पहना हो। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। साहब, अंदर कोई है ऐसा लग रहा है। कौन है अंदर? आ रहा हूँ। मैं अंदर आऊँ? दौड़े, अब सबको समझाने का वक्त आ चुका है। वो तो ऐसे ही मिलने आया था। दत्ता भैया और आपकी अच्छी जमती है और उनका बेटा इनकी वजह से तंत्र विद्या सीख रहा है। टोना टोटका करता है, खोपड़ियां इकट्ठा करता है और ऐसा आदमी आपके घर में मिलता है। दौड़े, ये डबल गेम समझ में आ रहा है ना? साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब, कुछ भी नहीं। उस दिन जब तेरा फोटो निकाला था ना, उसी दिन तेरी कुंडली बना ली थी मैंने, और तेरे साथ तेरे साथियों की भी। तुझे तेरा चेला चाहिए, गणेश, और गणेश का बाप दत्ता नाइक। अगर वो इस गांव में किसी की बात सुनता है तो वो सिर्फ इस आदमी की। इसलिए तुम दोनों आज यहाँ इकट्ठा हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैंने कहा ना, वो ऐसे ही आया था। दौड़े, ये वैसे मानने वाले नहीं है। एक काम करो, दोनों को हथकड़ियां पहनाओ, ले चलो इन्हें। ऐसा बिल्कुल मत करो। इस गांव में मैंने आज तक सिर्फ कर्मकांड ही किया है और आज ऐसे गांव के सामने मुझे हथकड़ी पहना कर ले गए तो लोग क्या कहेंगे? ये अगर पहले सोचा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब जरा उसको कहिए कि बाहर निकाले, पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी होता है ना अपने पाप पुण्य का हिसाब। डालो दोनों को गाड़ी में। दत्ता भैया कहाँ? कमरे में है। मैं मिलकर आता हूँ। मैं भी आती हूँ। नहीं, रहने दो। देखिए, मैं जानती हूँ दत्ता भैया ने ही मारा है ना अजय को। भैया ने मारा है ये बात साबित नहीं हुई है। बेमतलब कुछ भी मत बोलो। हाँ, पर डेड बॉडी के पास उनकी चप्पल मिली है ना। मुझे ना इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। जाओ अपना काम करो, जाओ। मुझे बात करनी है आपसे। अब क्या बात करनी है तुम्हें? हम इस घर में और कितने दिन रहने वाले हैं? शादी के बाद हम दूसरे घर में जाएंगे, ऐसा कहा था ना आपने? आपने ही वादा किया था शादी से पहले। अरे, क्या पूछ रही हूँ मैं? देविका, तुम क्या बोल रही हो, समझ आ रहा तुम्हें? ऐसे हालात में घर वालों को छोड़कर जाना चाहिए क्या? और ऐसी हालत में अगर हमें कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? देविका, हम विश्वास राव का फोन है ना? हेलो, बोलो। अभिराम नाइक, मुझ पर आरोप लगाया था ना कि मैंने आई को जहर दिया है। दरअसल वो मुझे फंसाने की एक साजिश थी, पर वो इंसान अब भी बाड़े में ही है। बाड़े में सभी को मेरा एक संदेश दो कि जिसने भी ये किया है ना, वो खुद होकर मेरे सामने आ जाए। और हाँ,
अगली बार मेरे साथ एक लेडी कांस्टेबल भी होगी, तो घर की औरतों को बोल दो कि अगर कुछ है तो कबूल कर ले, बारात निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। विश्वास, घर का कोई क्यों मारने की कोशिश करेगा? आई पैसा, प्रॉपर्टी, गहने, इसकी लालच लग गई ना तो इंसान रिश्ते नहीं देखता, फिर चाहे वो कितना भी करीबी हो, उसकी खुद की आई क्यों ना हो। और हाँ, तुम्हारे घर में वो उपन्यासकार है ना? कौन? माधव भैया? हाँ वही, बहुत सीक्रेट्स हैं उनके पास, उनसे कहो बताएं हमें, नहीं तो कस्टडी में लेंगे उनको, फिर लिखेंगे वहीं बैठकर अपना उपन्यास। हैं? माधव भैया, माधव भैया, क्या दत्ता भैया, आप सबको क्यों बुला रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? मुझे कुछ बताना है सबको। क्या हुआ अभिराम भैया? भैया कहाँ हैं? वो अंदर हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे चुप बैठे हैं। दत्ता भैया को ना बुलाए तो ही बेहतर होगा। पर हुआ क्या है अभिराम? क्या हुआ है? मुझे विश्वास का फोन आया था। क्या कह रहा था विश्वास राव? उसका ऐसा कहना है कि आई को जहर देने के इल्जाम में उसे फंसाया जा रहा है। हा? और आरोपी हमारे घर का ही है। है? अरे पर घर का कोई आई को जहर देने की कोशिश क्यों करेगा? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा, पर क्या है ना, विश्वास इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ये किया है वो कबूल कर ले। क्या कह रहे हैं आप भैया? आपको अभी भी उस विश्वास राव पर ही विश्वास है? अरे वो विश्वास राव आपके भाई पर इल्जाम लगा रहा है अजय के खून का, फिर भी आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। कल को आप ये भी कहेंगे कि इन्होंने ही आई को जहर भी दिया। भाभी मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा और भैया पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जिसने भी ये किया है उसे तो सामने आना ही चाहिए। मामा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। आर्चिस, डरो मत बेटा, और मुझे लगता है हम सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। अब क्या समझदारी से काम लेंगे? वो विश्वास राव मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, कल आकर हथकड़ी पहनाकर वो इन्हें ले जाएगा, तब हम क्या करेंगे? सरिता, सबूत के बिना वो नहीं लेकर जा सकता। अरे पर इनकी हालत तो देखिए जरा, एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाँ नहीं रहे हैं, बस बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। उससे कहो कि उसने कुछ नहीं किया है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। पर भैया, किसने किया होगा ये? अरे पर ये डैड को कैसे पता होगा? आर्चिस, मुझे विश्वास ने बताया माधव भैया के पास काफी सीक्रेट्स हैं।
अभिराम, क्या बोल रहे हो तुम? माधव के पास कैसे सीक्रेट्स हैं? मुझे क्या पता, विश्वास और माधव भैया को पता होगा ना, है ना भैया? माधव, डोंट वरी, हमने कुछ नहीं किया, तो डरे क्यों? आती हूं मैं। मम्मा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है सब? ये क्या है? अरे कुछ नहीं, वो मैं उपन्यास लिख रहा हूँ ना, बस वही है और कुछ नहीं। मैं पढ़ना चाहूंगा इसे। हाँ? पर है क्या उपन्यास में? भूत, चुड़ैल, झगड़े, खून, सब कुछ। मुझे विश्वास ने बताया माधव भैया के पास काफी सीक्रेट्स हैं। चल रहा है माधव? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतने डरे हुए क्यों? मैं? अरे मैं कहाँ डरा हुआ हूँ? मैं क्यों डरूंगा, मैंने क्या किया है? हाँ, पर तुम्हारे चेहरे पर तो कुछ और ही दिख रहा है। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, पर ये डायरी लेकर आखिर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें बताया था ना, ये उपन्यास मैं छपने से पहले किसी को नहीं दिखाऊंगा, इसलिए बस थोड़ा टेंशन हो रहा था। एक बार प्रकाशक के हाथ में दे दी ना, फिर मैं फ्री। क्या है, उससे पहले लोगों को पता चला कि मतलब उपन्यास में क्या है। हाँ, और उस प्रकाशक का भी बहुत बार फोन आ चुका है, एक बार उसको दे दिया ना तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। माधव, हाँ? सच में कुछ छुपाया तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे प्लीज बता दो। अरे नहीं नहीं, मैं क्या छिपाऊंगा तुमसे, एक बार उपन्यास छप गया तो फिर सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। ठीक है, अगर छुपाने जैसी कोई बात नहीं है तो मुझे देखने दो ना डायरी में क्या लिखा है। लाओ। नीलिमा, नहीं मतलब मैं नहीं दूंगा। अरे छपने से पहले कैसे दे सकता हूँ, छपने के बाद ना मैं तुम्हें बड़ा सरप्राइज दूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ ना। अरे हाँ नीलिमा प्लीज। हाँ हाँ हाँ, माधव बाबू ले गए, पुलिस पकड़ कर ले गए। दत्ता बाबू माधव बाबू ले गए, दत्ता बाबू। क्या हुआ रे पांडू? दत्ता बाबू कहाँ है? क्या हुआ रे भाभी? दत्ता बाबू को बुलाइए ना जल्दी। भाभी भैया को बुलाइए ना। सुनो जरा बाहर आओ, ये पांडू कुछ बताने आया है यहाँ। दत्ता बाबू जल्दी आइए ना। क्या रे क्या हुआ?
दत्ता भाऊ, पुलिस ने ना उन्हें हथकड़ी पहनाई और पुलिस स्टेशन ले गए उनको, ले गए। किसे लेके गए? वो है ना वो। अरे किसे ले गई पुलिस? वो भूल गया। अरे अभी तो बता रहा था ना कि पुलिस ले गई उसे। हाँ पुलिस, विश्वासराव भाऊ है ना, उन्होंने उनके हाथ में हथकड़ी पहनाई और ले गए पुलिस स्टेशन। हाँ पांडू, याद करके बता किसे ले गए हैं। हाँ उन्हें ले गए। अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं करवा रहे थे ना, अच्छा हुआ ले गए। अरे किसे ले गए? रघु काका को। रघु काका को पुलिस ले गए, मुझे दुल्हन नहीं थी ना। पांडू ये तो सच बोल रहा है। हाँ सच बोल रहा हूँ, ले गए रघु काका को। देखा ना भैया, रघु काका के पीछे पड़े थे ना आप, अब उनकी वजह से आप फंस गए। तो मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अरे पर रघु काका ने आपका नाम ले लिया तो? पर रघु काका को किसने पकड़ा होगा? उन्हें अकेले नहीं ले गए। तो और किसे ले गए? उनके साथ वो भी थे। कौन? दत्ता भाऊ, आपने उन्हें मारा था ना, वो ऐसे 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 चलते हैं वो। मतलब गणेश को तंत्र जादू टोना सिखाता है वो? हाँ हाँ वही। पर वो क्या कर रहा था रघु काका के घर में? मतलब एक तरफ आपने जिन पर भरोसा किया वो रघु काका, और दूसरी तरफ हमारे गणेश को जो गलत रास्ते पर ले जा रहा था वो आदमी। कुछ समझ में आया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या चल रहा है? रघु काका और उस आदमी का क्या संबंध होगा? और रघु काका ने हमसे ये छुपा कर रखा? अरे मेरे गणेश को तो कुछ नहीं होगा ना। गणेश कहाँ है? कहाँ है गणेश? गणेशा, गणेशा, गणेशा। और अगर रघु काका ने उस विश्वास राव को कुछ बता दिया तो? काका, काका गणेश उसके रूम में नहीं है। कहाँ चला गया ये? पूर्वा, ये पूर्वा, जल्दी आ यहाँ। गणेशा कहाँ है? भैया सुबह सुबह ही बाहर निकल गए। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। गणेशा, अब वो विश्वास राव गणेश को नहीं छोड़ेगा।